हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य सक्सेना और आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स के में पढ़ेंगे। मैथ्स में अलजेब्रा पार्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 3 जो है मैट्रिसेस। क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है मैट्रिसेस है क्या, इसका यूज क्या है, इसका नोटेशन क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हर एलिमेंट क्या होते हैं, उनके एड्रेसेस क्या होता है। फिर इसमें और जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के कितने टाइप होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिसेस के टाइप, बीच में जाके पढ़ने वाला टॉपिक। फिर उसमें आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड की अलजेब्रा में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस में लगती है, जैसे इसके अंदर आती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। हालांकि इस बार हमारे सिलेबस में डिवीजन नहीं है, हाँ लेकिन एक इंटरेस्टिंग इसमें पार्ट है जो की है इनवर्स ऑफ आर मैट्रिक्स। इनवर्ट जो हमें पढ़ना है इस बार हमारी क्लास 12 में दो तरह के मैथड है, एक मैथड होगा जिसको कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो इसी चैप्टर में पढ़ना है, और एक इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ना है जो कि होगा डिटरमिनेंट्स, जिसमें एडजॉइंट निकाल के फिर सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हमें जो आगे टॉपिक पढ़ना है वो ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, फिर उसके बाद सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, फिर वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी मैंने बात की थी। बाकी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। ये है पूरा चैप्टर नंबर 3, इतना हमें पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूज है मैट्रिसेस। तो हमने जो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें इक्वेशन हमें कुछ मिलती थी ax + by = c की फॉर्म में, कुछ इस तरह से 2x + 3y = 6, 5x + 7y = 8। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में हमारे पास चार मेथड्स होते थे। एक होता था ग्राफिकल मेथड, बाकी तीन अलजेब्रिक मेथड होते थे, उनमें सबसे पहला आता था सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एलिमिनेशन मेथड। ये हमने मेथड्स वहां पे पढ़े। इस बार क्या है, ये एक अपडेट है क्लास 10 के आगे का मैट्रिसेस का अपडेट है, इनको सॉल्व करने का इजीएस्ट वे है। मैट्रिसेस में क्या हमारे पास वेरिएबल कितने भी हों, 2, 3, 4, 5 सब सॉल्व हो सकते हैं बस, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये कि इनके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। इसी मार इनको कहा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इन सब में जितनी पावर है वो 1 है। और होता क्या है मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर एरे भी कह सकते हैं क्योंकि एरे एक तरह का अरेंजमेंट ही होता है। ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स कैसे हो सकते हैं, ये नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और मे बी इमेजिनरी भी हो सकते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं वो फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैट्रिसेस को लिखने का तरीका जो है उसको हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ही लिखते हैं, जैसे यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें जो ये 9 by 7 है इनको बोलते हैं रोज, ये हो गए रो नंबर 1, ये हो जाएगी रो नंबर 2। सेम इसी तरीके से जो हमारे पास ये वर्टिकल पोर्शन में चल रहे हैं, ये निकल आएंगे कॉलम, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। लिखने का मेथड हमारा मैट्रिसेस का जैसे भी लिखा था वैसे ही रहेगा, ये खाली समझाने के लिए कि रोज और कॉलम्स आ रहे हैं, लेकिन हम जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही, इसमें कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि देखते क्या है, हमने बुक या कहीं पीडीएफ आपने डाउनलोड करा होगा, देखा होगा कि इन मैट्रिक्स के जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर के एंड में यहाँ पे कुछ लिखा होता है 2 x 3, 1 x 4, 5 x 3, ये सब है क्या, ये है ऑर्डर। तो ऑर्डर समझते हैं, ऑर्डर क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर होता है कितने रोज आ रहे हैं, कितने कॉलम्स, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने का जो वे है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में रोज आ रही है 1, 2, तो यहां पे रोज हो गई 2 x, और इसमें कॉलम 1, 2, 3, ये हो जाएगा 3। तो टोटल यहां पे इसका जो ऑर्डर लिखेंगे वो लिखेंगे 2 x 3।
अब ये ऑर्डर क्या सिग्निफिकेंस देता है, इसका मतलब क्या है? तो यहां पे जो हमें ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर का जो मतलब आता है वो ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, 2, 3, 6, तो टोटल यहाँ पे एलिमेंट जो आ रहे हैं वो है 6, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये ऑर्डर की बात होगी कि ऑर्डर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल और देता हूँ इसी में, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है P, और उस मैट्रिक्स में एलिमेंट हमने ले लिए फॉर एग्जाम्पल 1, 0, 2, 6, 7, 9, कहा जाए इसका ऑर्डर बता दें क्या होगा। तो ऑर्डर के लिए फिर वही चीज, 1 row, 2 row, 3 row हो जाएगा 3 cross column 1, 2, 3 cross, 4 row, 3 cross, सिंपल होगा। इस तरह से एलिमेंट्स भी आ जाएंगे 3 cross 2 हो जाएंगे 6, और भी तरीके। और अगर एक और एग्जाम्पल दिया जाए, मैट्रिक्स है सी, इसमें एलिमेंट आ रहा है 1, 7, इसका ऑर्डर बताना। तो यहां पे रो 1, 2, column 1, तो 2 cross 2, ये है मैथड ऑर्डर लिखने का। नेक्स्ट, अब अगला है कि यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ये एड्रेस क्या होगा कि एलिमेंट हमें, मान लो हमसे कहा गया ये एलिमेंट बताओ, तो उसका कुछ नाम होना चाहिए ना, एड्रेस होना चाहिए। जैसे हर किसी की अपनी आइडेंटिटी, अपना एड्रेस होता है, सेम ऐसी मैट्रिसेस में भी एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए जरा देखते हैं कि क्या जनरल नोटेशन और क्या इनका एड्रेस है। मैट्रिक्स लिखी और इस मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो यहां पे पहला एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट, कैसे क्या करना होगा, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आ रहा है पहली रो में, पहले 1, और आ रहा है पहले कॉलम में, हो जाएगा 1। तो इसकी अपनी आइडेंटिटी है A1। अब अगला भी आ रहा है पहली रो में, तो हो जाएगा 1, लेकिन इसका कॉलम हो गया 1, 2, तो ये आ रहा है 2 पर, तो हो जाएगा A1। नेक्स्ट अगला ये आ रहा है पहली रो में और इसका कॉलम 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 3 पर। नेक्स्ट आते हैं अगले पर, यहाँ पे अगर एलिमेंट लिखना हो तो ये एलिमेंट अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ रहा है सेकंड रो में, तो A2, और कॉलम में इसका 1, हो जाएगा A2। ऐसे अगर इस एलिमेंट को लिखना हो तो इस एलिमेंट का ये आ रहा है सेकंड रो में और इसका कॉलम भी है सेकंड, तो हो जाएगा A2, 2। फिर ऐसे अगले पे जाए तो अगली रो है सेकंड लेकिन कॉलम में 3, तो आ जाएगा A2, 3। फिर आते हैं थर्ड में, तो थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है A3 पर। आते हैं अगले पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आ रहा है थर्ड रो में, तो पहले लिखते हैं रो, अब लिखेंगे कॉलम, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये होगा सेकंड कॉलम, तो हो जाएगा A3, 2। सिमिलरली ये तो आप लिख ही लो। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के एड्रेस को बता सकते हैं। इसको लिखने का फायदा क्या, कैसे क्या, तो जरा एक एग्जाम्पल समझते हैं कि क्वेश्चन हमें किस तरह से मिलेगा। इसमें एक मैट्रिक्स है A, उसमें एलिमेंट है 1, 7, 9, 3, -2 और 5। क्वेश्चन आया कि हमें यहाँ पे A1, 3 एलिमेंट बताना है, कितना होगा, बहुत ही सिंपल है। A1, 3 मतलब पहला रो थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट होगा यहाँ पे 9। सेम ऐसी अगर हमसे कहा जाए यहाँ पे बताइए A2, 2 एलिमेंट क्या होगा, तो 2 का मतलब सेकंड रो, 2 का मतलब सेकंड कॉलम, वो होगा -2। इस तरह से इन एलिमेंट का ये एड्रेस पर लिखने का वे है। इसके बाद आगे बात अगर हम करते हैं और क्या क्या चीज होगी, तो हम आगे जो चीज समझ रही है वो होंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कितने तरह की ये मैट्रिसेस होती हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले स्टार्टिंग जो करेंगे वो होगी हमारे पास, इसका नाम होगा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें केवल एक रो आती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो आती हो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक रो का मतलब हो गया 1, 2, 3, ये हो गया एक रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें केवल एक रो आ रही है। कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं, 1 आए, 2 आए, 3 आए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन रो एक ही आनी चाहिए। इसका ऑर्डर की बात करें तो यहां पे आ रही है एक रो और इसमें कॉलम आ रहे हैं 3, तो हो जाएगा 1 cross 3, ये रो को ये कॉलम को, ये हो गया इसका ऑर्डर। आते हैं अगले टाइप पर, और इसका सेकंड टाइप आता है जो होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम इसी की तरह नाम जैसा वैसी काम, तो कॉलम आ रहा है जिसका मतलब क्या है, यहां पे केवल एक कॉलम में जिस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक में रिप्रेजेंट करना मतलब 1, 0, 1, ये हो गया हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3 लिख लें, ये भी
तीन कॉलम मैट्रिक्स ही करेंगे। इसका ऑर्डर तो यहाँ पे तीन रो आ गई है, एक कॉलम आ रहा है तो थ्री क्रॉस वन, यहाँ पे वही से। तो ये बात हो गई कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं तीसरे, ये बहुत सिंपल था। तीसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? जैसा नाम इसमें भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो। जैसे भी मैंने बताया था ऑर्डर को लिखने का तरीका होता है नंबर ऑफ रोज इंटू क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखने का नोटेशन एम क्रॉस एन बोलते हैं। तो बुक्स में अगर हम पढ़ेंगे देखेंगे क्या कि वहां पे अगर हम देखें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स आएगी जिसमें एम और एन बराबर ना, उनको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करें तो अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसी को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो है 2 क्रॉस 3, और 2 क्रॉस 3 ऑर्डर होने के बारे में इसमें एम और एन की वैल्यू बराबर नहीं है, जो रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, इस वाले इस मैट्रिक्स का नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टाइल बोर्ड आपने पढ़ते हैं, आगे आपने फोर टाइप यहां से ध्यान देने वाले, क्योंकि टॉप जो हमारे टाइप्स आ रहे हैं आगे बहुत यूजफुल है। तो अगला आ रहा है जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। ज्यादातर जगह मिलेगा लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है इसकी बात करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा जैसा इसका आगे अपडेट कर रहे हो तो यहां पे लिखा है एम और एन की वैल्यू बराबर ना होना। इसका मतलब क्या होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर होते हैं तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 1 2 3 4, ये होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें रोज भी दो है और कॉलम्स भी दो है, इस वाले इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, एक मैट्रिक्स और बनाए बी 1 0 2 5 6 -3 2 1, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 3 है, जब एम और एन बराबर होते हैं तो वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी के ही केसेस पढ़ने होंगे आपको, वो टाइप नहीं आते लेकिन उनको हम केसेस कहेंगे क्योंकि वो केस स्टडी में जाएंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को और कितने टाइप होते हैं, तो एक आता है इसका पहला केस, और पहला केस होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स रहेगी, पहली इसकी कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये मतलब एम और एन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, साथ ही साथ केवल डायगोनल के एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जैसे 1 2 3, बाकी जो भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसी मारे केस रखा है, मतलब इसका अगला स्टेप है स्क्वायर तो होना जरूरी है साथ में साथ केवल डायगोनल एलिमेंट्स हो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। क्वेश्चन यहां जरूर उठेगा कि डायगोनल हमने यही क्यों लिया, डायगोनल ये भी तो हो सकता है। तो इसके लिए कंडीशन है डायगोनल के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स वो उनको कहेंगे जिनमें आई और जे बराबर हो, उनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अभी आई और जे क्या है, तो अभी मैंने यहां पर एक मैट्रिक्स लिखी थी, अगर याद हो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो अगर हम यहाँ पे उन एलिमेंट्स की बात करें जिसमें आई और जे बराबर है, इनको आई जे बोला मैंने, इसमें देखिए ये बराबर है, इसमें ये बराबर है, तो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं यही कराएंगे डायगोनल। ये क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ 1 और 3 आ रहा है, यहाँ 3 और 1 आ रहा है, आई और जे इनके बराबर है, इस बारे में ये डायगोनल। नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 2 पर, ये पहला केस खत्म हुआ, बात करते हैं अगले केस पर, आते हैं केस नंबर 2 पर। तो अगला केस इसी का आएगा, और अगला है केस नंबर 2 जो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर तो पिछली जो भी यूज हुए वो तो सारा होने चाहिए, पहला तो ये स्क्वायर होनी चाहिए मतलब एम और एन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दूसरा ये डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, अगली कंडीशन इसमें लग गई, मतलब जितना पिछला पढ़ेंगे वो तो यूज करना ही करना,
पहला स्क्वायर होना चाहिए, अगला डायगनल होना चाहिए। और कैसे होंगे? इसके जो डायगनल के एलिमेंट्स होंगे वो सारे बराबर होंगे, बस ये अलग है इसके। मतलब यहां जैसे अगर मैंने एक एलिमेंट टू लिखा तो सारे डायगनल के एलिमेंट फिर टू ही होने चाहिए, बाकी अपर डायगनल तो ये अपर नॉन डायगनल और यहाँ के नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ये है स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए और डायगनल होना चाहिए। ये है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप इसके अगले केस, केस नंबर थ्री। इसका अगला केस आता है जिस मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा यूज करेंगे, और वो मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे पहले भी छोटी क्लासेस में इसका नाम सुना होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो अपनी पहचान बनाए रखे, आइडेंटिटी है वही, जैसे हम लोग आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब यहां क्या होगा, तो पिछला जितना डाटा है वो तो सारा यूज करना ही करना है। क्या क्या यूज करना है? एक तो ये स्क्वायर होनी चाहिए, अगला डायगनल भी होनी चाहिए और स्केलर भी हो सकती है। अगर अलग क्या है, अलग ये है कि इस मैट्रिक्स की पहचान, वो तो लिख दूंगा उसको, इस मैट्रिक्स की जो पहचान करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर बात करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगनल के सारे एलिमेंट वन होने चाहिए, बाकी तो सब जीरो होंगे। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर भी हो, डायगनल भी हो, स्केलर भी कह दिया क्योंकि स्केलर में सारे एलिमेंट सेम होते हैं, तो यहां भी सेम है। ये स्केलर मैट्रिक्स अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स है, वो भी सही है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होती है, वो भी सही है। तो तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। और एक लास्ट मैट्रिक्स आती है, लास्ट केस आएगा, ये सारा बता रहा हूं, लास्ट केस आएगा केस नंबर फोर। केस नंबर फोर होगा हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, इसको नल भी बोलते हैं, जैसे हम लोग सेट पढ़ते थे नल सेट, सेम वैसी है ये जीरो मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो, उनको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। ये बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ये तो हमारे सिलेबस में थोड़ा और मैट्रिक्स भी होती है, अगर उनको समझते तो ऐसा बहुत टिपिकल नहीं है। एक होती है अपर डायगोनल मैट्रिक्स, अपर डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या है? अपर डायगनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगनल के एलिमेंट्स तो हो ही हो, साथ ही साथ ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो भी कुछ नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब यहां कुछ भी वैल्यू हो सकती है 3, 5, बाकी सारे जीरो। ये कहलाती है अपर डायगनल मैट्रिक्स। मतलब डायगनल के ऊपर के एलिमेंट्स की वैल्यू नॉन जीरो, ऐसी होती है लोअर डायगनल मैट्रिक्स। लोअर डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें डायगनल के एलिमेंट्स तो हो, साथ में नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं डायगनल के नीचे, वो सब नॉन जीरो होते हैं 3, 5, 6, ये कहलाती है लोअर डायगनल। ये आसान है, समझ सकते हैं, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद इसी में एक चीज और आती है, एक चीज और कहीं थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, उसकी बात पहले कर लेते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्योंकि क्या है, यहां पे एम और एन दोनों बराबर, और जब एम और एन बराबर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, जिसका मतलब ये हुआ ये हमें जो मैट्रिक्स मिली हुई 2+2 की, क्योंकि एम और एन बराबर तो एक सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर 2। ये आगे थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स का दिया जाए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे एग्जांपल लिया कि कहा जाए इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स के कितने ऑर्डर हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स बता दें। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? अभी बताया ना
अगर हम किसी चीज के ऑर्डर, जैसे मैंने कहा था कि हम ऑर्डर लिखते हैं, जैसे लिखा 2x3, तो हमें बताता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स। अब अगर कहीं लिखा है 8 एलिमेंट्स, तो 8 एलिमेंट्स का मतलब कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है इस ऑर्डर में, तो क्या क्या बन सकती। जैसे हम छोटे क्लासेस में ऑर्डर लिखते थे, ऑर्डर कहना सॉरी, जैसे हम छोटे क्लासेस में फैक्टर लेते थे, जैसे 8 के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन लेते थे, सेम उसी तरह से लिखते क्या क्या हो सकते हैं। 1 तो बन सकता है 1x8। अगला क्या हो सकता है 8x1, इसका 2x। अगला 8 और किस किस से डिविजिबल है, 2 से, तो हो जाएगा 2x2। एक 4 में ऑर्डर हो सकता है, एक हो सकता है 4x2। इसके अलावा इसके और ऑर्डर होंगे, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर जो होंगे 1x8, 8x1, 2x4, 4x2। तो ये है इसके पॉसिबल ऑर्डर। नेक्स्ट आपको इसमें एक मैट्रिक्स और मिलेगी, वो लास्ट है इसका, वो है इक्वालिटी मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स। इक्वलिटी मैट्रिसेस क्या होती है, ऐसी दो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, इसके लिए दो कंडीशन है। इसके लिए दो कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा जो हर एक एलिमेंट्स होना चाहिए, जो हमारे पास दो मैट्रिक्स मिलेंगी दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो आइडेंटिकल होने चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ Both the matrices have identical elements. For example, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स की थी, मैट्रिक्स है A, इसका एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। सेम इसी तरह इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स की B, इसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। तो दोनों के एलिमेंट्स सेम, उनका ऑर्डर सेम है, तो ये कहलाएंगी इक्वालिटी मैट्रिक्स। इसका यूज कहां होगा, किस तरह यूज करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल x1, 2, y। एक मैट्रिक्स है बी, इसके अंदर एलिमेंट कुछ आ रहा है, जैसे एग्जांपल लिया 6a b, और यहां पे है a। क्वेश्चन आया ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस, अगर ए और बी इक्वल मैट्रिसेस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एक्स एंड वाई। तो बताया था अगर ये मैट्रिक्स इक्वल होगी तो इसके एलिमेंट्स बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, लेकिन फॉर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा तो बी की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8। इस तरह से वैल्यू ये रहता है वो कि किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। एक चीज और इसे बताना चाहूंगा कि अगर हमसे कहा जाए कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दो, जनरल टर्म दे दे तब बनाओ, तो हमने शुरुआत में मैट्रिक्स का एक जनरल ऑर्डर पढ़ा था, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये हमने ऑर्डर पढ़ा था, इसको हम शॉर्ट में जनरल फॉर्म में इस तरह से भी लिख लेते हैं aij, और इसका ऑर्डर अगर जनरल में लिखते हैं तो लिखते हैं m×n। ये इसका जनरल नोटेशन, क्वेश्चन हमें इस तरह से मिलता है कि अगर हमने आपको जनरल नोटेशन दे दिया है aij, मान लिया aij हमको दे रखा है i+j/2, और कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बना दीजिए, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2x2। जनरल ऑर्डर दे दिया और एक मैट्रिक्स बना दिए 2x2 की, बहुत ही आसान। पहले क्या करें, जनरल बना लें, मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो कौन सी होगी मैट्रिक्स होगी 2x2 की, समझ से ना 4 एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक होगा a11, एक होगा a12, एक होगा a21, एक होगा a22, क्योंकि लिखने का बेस सिक्वेंस से चलेगा, फर्स्ट यही होगा, सेकंड यही होगा, थर्ड यही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आगे पीछे शफल करना, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जो अपनी इनकी आइडेंटिफिकेशन है फॉलो करनी होगी। अब निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहला एलिमेंट आता है a11 का मतलब क्या हुआ, आई और जे, यहाँ पे आई है 1, जे है 1, तो यहाँ पे आई और जे 1 रख देते, 1+1/2 हो जाएगा 2/2, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1, तो पहला एलिमेंट मिल गया। सेम इसी तरह से a12 यहाँ पे हो जाएगा आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 1+2/2 आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट है a21 मतलब i है 2 और j है 1, तो हो जाएगा 2+1/2 जो कि हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट है a22 और a22 का मतलब क्या हुआ, i है 2 और j है 2, तो 2+2
कॉन टू ही हो जाएगा, 4/2 कैंसिल करेंगे आ जाएगा 2। तो फाइनली जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहीं पे, जो आएगी हमारे पास 1, अगला एलिमेंट है 3/2, इसका अगला है 3/2 और लास्ट एलिमेंट है 2। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज 3.1 बुक है तो उसमें सॉल्व कर लेते हैं, तो पीडीएफ डाउनलोड करें एनसीईआरटी का, 3.1 आप पूरी सॉल्व। थैंक यू।